गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज 24 नवंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, आज की अपडेट क्या है। अद्वार्षिक परीक्षा 13 दिसंबर से 1 से 5वीं तक सीसी पैटर्न, 6वीं से 8वीं के पेपर स्कूल बनाएगा, 9वीं से 12वीं बोर्ड पैटर्न पर होगी परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं देखिए। बदलती तस्वीर, सरकारी स्कूलों में बदलते दाखिले का मतलब, पेपर आउट नहीं, रिक्त पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री बनने के बाद कल्ला ने रिट विवाद पर कहा। कांस्टेबल के 135 पदों पर नौकरी के अवसर, गृह रक्षा विभाग राजस्थान, 15 दिसंबर अंतिम तिथि। फैकल्टी के 59 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, खादी बोर्ड कर्नाटक 29 पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी। प्रदेश के श्रेष्ठ स्कूलों को शिक्षा विभाग करेगा पुरस्कृत, प्रोत्साहन, श्रेष्ठ स्कूलों के चयन के लिए 11 आधार तय। दोस्तों, अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। सरकार की मंशा, मुफ्त पढ़े बच्चे, स्कूल निकाल रहे उन्हें से खर्चे, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का मामला। जिले में स्थापित किए 11 संदर्भ के अंदर बेटियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थी असमंजस में, रिट की वरीयता सूची में शामिल होंगे या नहीं। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं देखिए। CBSE टर्म प्रथम की प्रायोगिक परीक्षा शुरू, 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। जिला मुख्यालय के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, TC पर अब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कर सकेंगे हस्ताक्षर। अब पोर्टल पर दर्ज होगा स्कूलों के बैंक खातों का विवरण, फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल शुरू। सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे IIT को आदेश, समय पर फीस नहीं भरने वाले दलित छात्र को मिलेगा प्रवेश। AAG को जनहित याचिका की प्रति दिलाई, विशेष योग्य जन की शिक्षा में अनदेखी, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अद्वार्षिक परीक्षाएं 13 से, अद्वार्षिक परीक्षा में आएगा 60% पाठ्यक्रम। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं देखिए। TC पर प्रति हस्ताक्षर और नाम, जन्मतिथि संशोधन की भाग दौड़ होगी कम। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गृह रक्षा विभाग राजस्थान, कांस्टेबल के 135 पदों पर नौकरी के अवसर, 15 दिसंबर अंतिम तिथि। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं। स्कूलों में कोरोना से पेरेंट्स में भय, विशेषज्ञ निश्चित। नेक्स्ट है, ऊंचे कट ऑफ के चलते DU में खाली रह गई आरक्षित वर्ग की सीटें। केंद्रीय कर्मियों को नए साल पर मिलेगा तोहफा। रिट में बीएड BSTC विवाद, हाईकोर्ट में आज भी अधूरी रही सुनवाई, 9 लाख युवाओं को फैसले का इंतजार। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं देखिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 155 पदों पर भर्ती, 17 दिसंबर से पहले करें आवेदन। राज्य सरकार ने संभागीय आयुक्तों को दी दोबारा से पावर, अब इंटरनेट बंद करने से पहले जनता को देनी होगी सूचना, केवल पब्लिक इमरजेंसी के लिए इंटरनेट बंद। इग्नू जुलाई 70 के लिए 30 तक आवेदन। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं देखिए। अधिक अंक के बावजूद OBC में क्यों नहीं किया शामिल, राजस्थान हाई कोर्ट। परीक्षा ड्यूटी के लिए सभी शिक्षकों को बुलाया जाए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। RT प्राइवेट स्कूलों में इस बार निःशुल्क प्रवेश मुश्किल, नियमों में बदलाव का खामियाजा, पेरेंट्स को भुगतना होगा। BTEC के 4 पाठ्यक्रमों में नए सिलेबस से पढ़ाई। अध्यापक लेवल 1 चयन के लिए कल होगा वॉक इन इंटरव्यू। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं देखिए। ऑक्सीलोन एडिवेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021-22 से संबंधित है। और नेक्स्ट चलते हैं देखिए। 1 से 5वीं तक CC पैटर्न, 6वीं से 8वीं के पेपर स्कूल बनाएगा, 9वीं से 12वीं बोर्ड पैटर्न पर होगी परीक्षा। हाफ ईयरली एग्जाम 13 दिसंबर से। प्रोफेसर के पदों पर करें अप्लाई, संघ लोक सेवा आयोग, कुल पद हैं 36। और अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2021। 200 अंकों के 4 प्रश्न पत्र होंगे, RPSC ने वेबसाइट पर किया अपलोड। RS मेंस का सिलेबस जारी, परीक्षा फरवरी में संभव। विद्यालय में फूटा कोरोना बम, जय श्री पेडीवाल, स्कूल के एक दिन में 12 छात्र आए पॉजिटिव।
नई पीढ़ी में रोपे जाएंगे स्थानीय कला के बीज, स्कूल में होंगे केंद्र। अर्धवार्षिक परीक्षा 13 दिसंबर से नहीं लेंगे लगे हिंदी व अंग्रेजी के व्याख्याता। इस 70 से 8वीं में फेल होंगे बच्चे, बदलेगा प्रावधान। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।